माननीय सभापति महोदय, सिस्टम आई वॉज एक्सप्लेनिंग, प्लीज मिनिस्टर। आज दोपहर 12 बजे से लेकर अब तक इस महत्वपूर्ण विधेयक पर 44 अलग अलग सांसदों ने अपने विचार इस बिल पर रखे हैं। सब लोगों ने इस बिल के बारे में कुछ सुझाव, कुछ आपत्तियां, कुछ सवाल, कुछ समर्थन, सब अपने अपने विचार के अनुसार इस सदन पर रखा है, सदन के पटल पर रखा है। माननीय, मैं एक एक कर सभी चीजों का और सभी शंकाओं का समाधान, सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। माननीय, सबसे पहले कुछ सम्मानित सदस्यों ने आर्टिकल 14 का हवाला दिया, संविधान के अलग अलग आर्टिकल को कोट कर ये बिल गैर संवैधानिक है ऐसा अपना विचार व्यक्त किया। कुछ सदस्यों ने ये बिल लाने की जरूरत क्या थी ये भी सवाल खड़ा किया। कुछ सदस्यों ने ऐसा भी कहा कि बिल पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लाया जा रहा है, इससे भेदभाव होगा, ऐसा भी अपना विचार व्यक्त किया। मैं एक के बाद एक सभी चीजों का जवाब दूंगा, मगर पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं जिससे कि बहुत सारे सवालों और शंकाओं का समाधान एक पृष्ठभूमि के कारण ही हो। माननीय, बिल कभी न लाना पड़ता, इस हाउस को इस बिल पर बहस कभी न सुननी पड़ती, ये बिल कभी भी भारत के कानूनों की सूची में सुधार कभी न आता अगर इस देश का बंटवारा न हुआ होता। ये बिल आज लाना पड़ रहा है क्योंकि इस देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको एड्रेस करने के लिए, उसके समाधान के लिए बिल लेकर आज मैं इस सभागृह के सामने उपस्थित हुआ हूं। और शायद कोई सरकार पहले इसका समाधान निकल लेती तो भी मुझे आज ये बिल लेकर नहीं आना पड़ता, मगर माननीय सरकारें ऐसे चली है कि समस्याओं के साथ दो दो हाथ करने की जगह सरकार चलाते रहो, इस प्रकार से सरकार चली है। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। मुझे भी मालूम है माननीय, कॉन्ट्रोवर्सी होगी, हो रही है, हमें क्या थी, 5 साल के लिए हमारे पास मैंडेट था, हम भी सालों तक जिस तरह सबने सत्ता का सुख भोगा हम भी भोग सकते थे। कल कौन सा चुनाव है माननीय, कौन से कल इसका राजनीतिक फायदा उठाना है, चुनाव 4.5 साल के बाद है, मगर देश की समस्याओं को कितने साल तक टालते रहेंगे, लटकाते रहेंगे और समस्याओं को क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बड़ी करते रहेंगे। जो जो सत्ता पर रहे सबको मैं कहना चाहता हूं, आज रात को रूम में अंधेरा रखकर अपने आत्मा के साथ संवाद करिए, अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। और माननीय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हंसना बहुत सरल है, हंसने की छुट्टी भी है, सभापति महोदय रोकते नहीं हंसने से, परंतु इतना याद रखेगा जब हंसते हैं तब एक करोड़ों पीड़ित लोग भी आपको देखते हैं कि हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, वो करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो भी जरा याद रखिए। माननीय, विभाजन सिद्ध नहीं हुआ, मैं फिर से आज कहना चाहता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा जी के टोकने के बाद भी
कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल के कारण आज मैं इस बिल को लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अगर इस देश का विभाजन न होता और धर्म के आधार पर न होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। और माननीय कहते हैं सावरकर जी को कोट किया, जिन्हा को कोट किया, वो मैं बाद में जवाब देना चाहता हूं, मगर कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ कहां से लेकर आए। माननीय मैं उनके ही नेता देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के एक समझौता किया था, नेहरू लियाकत अली समझौता 1950 में दिल्ली में हुआ, जिसको दिल्ली समझौते से भी जाना गया। मनोहर 8 अप्रैल 1950 को दोनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हस्तलिखित हस्ताक्षर किया हुआ ये समझौता उसकी पहली बात है कि 8 अप्रैल 1950 को जो समझौता हुआ उनको दोनों ने पक्षों ने स्वीकृति दी। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य बहुसंख्यकों के साथ अपने देश में सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, राजनीतिक अथवा अन्य कार्यालय का पद ग्रहण करने तथा अपने देश की सिविल तथा सशस्त्र बलों में सेवा करने का समान अवसर दिया जाएगा। अपने धर्मों का मुक्त रूप से अनुसरण कर पाएंगे। व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा करने की आजादी भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये दोनों देशों ने एक दूसरे देश को वादा किया था। और किसको वादा किया था? अपने अपने देश में रहे हुए अल्पसंख्यकों। और वो वादे का क्या हुआ? माननीय आज मैं पाकिस्तान के कई कानून कोट कर सकता हूं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आपको कई प्रकार के प्रतिबंध डाल दिए गए। कुछ सदस्यों ने आंकड़ा बताया, कल मैंने भी लोकसभा में बताया था, 23% से 30% हो गए, 22% से 7% हो गए। और यहां क्या हुआ? यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान बने, इस सभागृह के सभापति भी मुसलमान बने, माननीय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमान बने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बने, माइनॉरिटी को यहां संरक्षित और संवर्धित किया गया। भारत ने वादा निभाया, मगर हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का निभाव नहीं किया और इसके कारण अपने धर्म को, अपने समान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। अब कहां जाए? उनको नागरिकता नहीं देंगे? अभी बता रहे थे गुलाम नबी साहब कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे विभाग में पास्ट में जो जवाब दिए उसको उन्होंने कोट किया, कितनी ही संख्या है, इतनी ही संख्या है, ये सही है। सरकार अगर एक कानून नहीं आता है और किसी को पूछेगी कि आप विदेशी हो क्या, तो सबको ही ना बोलेंगे, कौन हाँ बोलेगा? मगर एक कानून होने के बाद जब हम कहेंगे आपको उस दिन से नागरिकता दी जाएगी और आपकी सारी चीजों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, संख्या जब आएगी नागरिक बनने की, इस सदन में मैं भी होऊंगा, गुलाम नबी साहब आप भी होंगे, लाखों लाखों करोड़ों होंगे, ये मैं सदन की उपस्थिति में कहूंगा, क्योंकि आपने उनको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था ही नहीं करी। कैसे अपने आप को वो जाहिर करते? जाहिर करते तो नौकरी चली जाती, शादी टूट जाती, अपना घर चला जाता, गिरफ्तारी भोगनी पड़ेगी। आज नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं इसमें निर्भीक होकर वो कहेंगे हाँ हम शरणार्थी है, हमें नागरिकता दीजिए, और उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नागरिकता देने का प्रोविजन हम लेकर आए। इसलिए अब घोषणा करेंगे, जिन्होंने ही जख्म लगाए वो जख्म क्यों लगे वो पूछते हैं, आपके कारण ही, आपकी सरकारों के कारण ही वो घोषित नहीं कर पाए कि मैं शरणार्थी हूं, विदेश से आया हूं। और आज आप ही सवाल पूछ रहे हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि जिनके कारण आज ये नर्क की यातना हम झेल रहे हैं वो हमें पूछ रहे हैं भला तुम भारत के नागरिक नहीं हो क्या? इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए, आंख कान सब बंद कर दिए,
उनका अंतर्नाद, इनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ती आपको? लाखों करोड़ों लोग आज तक चित्कार चित्कार कर कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, मगर नहीं किया। गुलाम नबी साहब पूछते हैं कि देशों का चयन कर किस तरह से किया। गुलाम नबी साहब, पहली बार में नागरिकता के अंदर संशोधन लेकर नहीं आए, कई बार हुआ है और कई बार इस देश ने नागरिकता दी है। जब श्रीलंका के लोगों को दी नागरिकता, श्रीलंका से आए हुए लोगों को दी, मैं पूछ सकता हूं भला कि उस वक्त बांग्लादेशियों को क्यों नहीं दी? जब युगांडा से लोग आए उनको नागरिकता दी, मैं पूछ सकता हूं भला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वालों को क्यों नहीं? मैं अब ऐसा कहूं क्योंकि हिंदू थे इसलिए आपने नहीं दी? ऐसा नहीं होता है। एक एक समस्या को एड्रेस किया गया अलग। मैं नहीं कह रहा हूं आनंद शर्मा जी, आप दुखी मत हुई, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब लंका की समस्या हुई तब लंका की समस्या को एड्रेस करने के लिए कानून लाए, एक प्रोविजन किया जो सिर्फ लंका से आए हुए शरणार्थियों को एड्रेस किया। युगांडा से जब लोग आए, मिस्टर वाइको साहब, जब युगांडा से लोग आए तब युगांडा की समस्या को एड्रेस करने के लिए हमने किया तो सिर्फ युगांडा का किया। आज सिर्फ भारत की भूमि सीमा से जुड़े हुए ये तीन देशों की धार्मिक लघुमति जो शरणार्थी बनकर आई है उसी को एड्रेस करने के लिए बिल लाए हैं, इसीलिए तीन देशों का जिक्र। वरना जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के सारे शरणार्थियों को 71 में स्वीकारा तो उस वक्त लंका वाले को क्यों नहीं स्वीकारा? भी हमने इरादों पर शंका नहीं करी। जो समस्याएं होती है वो हल करने का प्रयास करते हैं तब वही समस्या का समाधान होता है। इसको राजनीतिक कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और अब कह रहे हैं गुलाम नबी साहब कि आप ध्यान बंटवाने के लिए राय हैं। गुलाम नबी साहब, हमें ध्यान बंटवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बड़े पुराने अनुभवी सांसद हो। ये बिल 1915 में हम लेकर आए थे, स्टैंडिंग कमेटी में गया, ज्वाइंट कमेटी, सॉरी 2015 में लेकर आए, बाद में ज्वाइंट कमेटी में गया, पार्लियामेंट ने पारित किया, राज्यसभा में नहीं करने दिया तो अटक गया। उस वक्त क्या ध्यान बटाने की जरूरत होती 2015 में? कोई ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। हम चुनावी राजनीति अपने दम पर लड़ते हैं, हमारे नेता की लोकप्रियता पर लड़ते हैं और जीतते, मगर देश की समस्याओं का समाधान करना ये हमारा काम है और हम मानते हैं सरकारों का यह दायित्व है और वो हम करते हैं। और जब देश की समस्याओं का समाधान करते हैं तब उसको कहते हैं कि आप ध्यान हटाना चाहते हो, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं फिर से लियाकत नेहरू समझौते पर आता हूं। लियाकत नेहरू समझौता होने के बाद सभी देशों के संविधान बने, समझौता समझौते की जगह रहा, फाइलों में रहा, संविधान कैसे बने? अफगानिस्तान का संविधान, आज मैं इसके एक अनुच्छेद 2 को पढ़ना चाहता हूं। पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब वो राज्य देश का घोषित धर्म इस्लाम है। बांग्लादेश, शेख साहब ने तो ठीक ही बनाया था, 77 और 88 में बदला गया और अनुच्छेद 2 कम में लिखा गया, रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अनुच्छेद 2 में लिखा, पाकिस्तान का राज्य धर्म इस्लाम है। अब मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि तीनों देश हमारे देश की भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा 3223 किलोमीटर है, भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है और भारत अफगानिस्तान की सीमा 130 किलोमीटर है। और ये तीनों देश जो हमारी भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं वो एक प्रकार से अलग अलग कानूनी व्याख्या हो सकती है मगर एक प्रकार से इस्लामिक स्टेट है। अब मान्यवर, बहुत बड़ा सवाल यहां से एक खड़ा किया कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 6 धर्म के लोगों को ला रहे इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी। खैर, क्यों नहीं है ये भी मैं बताता हूं।
मान्यवर क्यों नहीं है ये भी बता दूं कि ये बिल हम ये तीन देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। अब जब मैं माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग करता हूं कोई मुझे बता दे विपक्ष में से कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम मत के अनुयायी माइनॉरिटी कहे जाएंगे क्या? नहीं कहे जाएंगे। और धार्मिक प्रताड़ना का जहां तक सवाल है मान्यवर जहां तक धार्मिक प्रताड़ना का सवाल है जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है राज्य का धर्म ही जब इस्लाम है तब इस पर प्रताड़ना होने की संभावना रिकॉर्ड कम हो जाए। अब बैठ जाए ना मान्यवर बाद में बताइए जाके बाद में बताइए जाके प्लीज मान्यवर जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है तब इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और अगर फिर भी किसी को एप्लीकेशन करनी है तो करने का कानून में प्रावधान है और उनको नागरिकता दे भी रहे हैं। हमारे पांच साल के अंदर बैठ जाइए बाद में पूछे ना होम मिनिस्टर ऐसे नहीं होता मेरा भाषण समाप्त होने के बाद पूछे और फिर भी इक्का दुक्का किसी की प्रताड़ना होती है तो उनको भी नागरिकता देने का प्रोविजन हमारे यहाँ है और मोदी जी के शासन में पांच साल में 566 से ज्यादा ये तीन देशों के मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता हमने दी। परंतु जब एक जनरल दृष्टि से देखते हैं और सामान्य दृष्टि से जो हो रहा है इसको हम स्वीकारते हैं तो ये माना जाएगा मान्यवर कि जहां इस्लामिक स्टेट है वहां पर इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक प्रताड़ना होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसमें सिर्फ हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और क्रिश्चियन को भी रखा। अब हमारी पार्टी की पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़े कर दिए भाई सिर्फ हिंदू रखा है क्या सिर्फ सिख रखा है क्या इसके अंदर बौद्ध भी आ रहे हैं जैन भी आ रहे हैं पारसी भी आ रहे हैं क्रिश्चियन भी आ रहे हैं ये कहां पंथ निरपेक्षता नहीं सिर्फ मुसलमान आएगा तो ही पंथ निरपेक्षता हो जाएगी। आपकी पंथ निरपेक्षता की व्याख्या बड़ी सीमित है हमारी व्यापक है जो प्रताड़ित है उसी को लाना ये हमारी व्याख्या आपकी व्याख्या है कि मुस्लिम आएगा तो ही पंथ निरपेक्ष माने जाओगे तो ही धर्म निरपेक्ष माने जाओगे हमारी व्याख्या इतनी सीमित नहीं। अब मैं कपिल सिब्बल साहब चिदंबरम साहब और आनंद शर्मा जी ने एक मुद्दा अनुच्छेद 14 का उठाया मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर ढेर सारे जजमेंट है बाद में मैं बताता हूं दोनों है अगर इस प्रकार की आर्गुमेंट सब क्लाइंट सुन लेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी कपिल सिब्बल साहब ढेर सारे जजमेंट है मैं बताता हूं आपको अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे हम ये तीन देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं एक क्लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है जिनके धर्म को बचाने का खतरा है जिनकी महिलाओं की इज्जत को बचाना उनके लिए खतरा है ऐसी माइनॉरिटी के सभी धर्म को ले रहे हैं एक निश्चित क्लास है। इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है और इसी के तहत ये मैं कानून लेकर आया हूं। मान्यवर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ये जो अमेंडमेंट मैं लेकर आया हूं इसके अंदर एक बुद्धिगम्य विभागीकरण किया है जिसके पीछे एक क्राइटेरिया भी है। ये बुद्धिगम्य विभागीकरण ये जो किया है इसके लिए भी ढेर सारे जजमेंट्स है ये इंटेलिजिबल डिफरेंसिया और ढेर सारे जजमेंट में अभी पढ़ता भी हूं
क्योंकि उन्होंने एक भ्रांति खड़ी करने का प्रयास किया है कि ये नहीं कर सकते। मान्यवर, ये बुद्धिगम्य विभाजन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कहीं पर भी ये बिल आर्टिकल 14 को हर्ट नहीं करता है और बाकी सारे आर्टिकल को भी हर्ट नहीं कर सकता है। मान्यवर, मैं थोड़ी जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 में समान अधिकार की बात तो है, मगर उचित वर्गीकरण की बात की है। सबसे पहले दानमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर, उसमें अनुच्छेद 14 का सही अर्थ और दायरा निम्न अनुसार दोहराया गया। अब यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, जबकि यह कानून प्रयोजन के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। हालांकि अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षण को पारित करने के लिए दो शर्तों का पूरा करना होगा, अर्थात वर्गीकरण को बुद्धिमत्तापूर्ण विभेद के आधार पर करना होगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट यहां पर सेटिस्फाइड होती है। इसके बाद ढेर सारे जजमेंट है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, जिसमें उचित भिन्नता को स्वीकार किया गया। मान्यवर, इसके बाद पेरेंट्स एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, इसमें भी इसको सीरीज ऑफ जजमेंट है मान्यवर, जिसमें आर्टिकल 14 को ठीक ढंग से परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूं कि आज भी मैं जो बिल लेकर आया हूं, किसी भी प्रकार से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। दोनों बड़े वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, अब दोनों संसद को डरा रहे हैं कि संसद के दायरे में कोर्ट घुस जाएगी। भला कोर्ट ओपन है साहब, कोई भी व्यक्ति अदालतों में जा सकता है, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारा काम अपनी विवेक बुद्धि से कानून बनाना है, और जो हमने किया है, और मुझे विश्वास है कि कानून अदालत में भी सही पाया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप दोनों जरा उस वक्त आर्ग्यूमेंट करने के लिए वहां जाएंगे तो कोर्ट भी आपको बताएगी कि क्या ठीक है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी मान्यवर अजीब प्रकार की पार्टी है, सत्ता में होती है और अलग अलग भूमिका में उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। हम तो 1950 से कहते हैं कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, कभी हमने इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं करा। हम शुरू से कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए, सत्ता में है विपक्ष में है, हम इसमें कंफ्यूज नहीं रहते। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। एक पत्र है मेरे हाथ में, चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, जब सन्मान्य चिदम्बरम जी गृहमंत्री थे तब लिखा गया था। आप देखिए बात, यू डोंट गेट इट। माननीय सभापति महोदय, जब चीफ मिनिस्टर राजस्थान, बैड हैबिट, श्रीमान अशोक गहलोत, फॉलो द प्रैक्टिस, लेट हिम, यू कांट डू इट। सभापति महोदय, जब यूपीए की सरकार समथिंग एंड यू आर रेजिंग समथिंग, श्रीमान चिदम्बरम जी गृहमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने एक पत्र लिखा उनको। पत्र में क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग इश्यू, लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी शरणार्थी, हिंदू एंड सिख कम्युनिटी। सिर्फ दो ही? हम तो भला छह लेकर आए, क्रिश्चियन भी रखा है। और उनको एक रियायत देने के लिए राजस्थान की बॉर्डर पर जो आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर दो बार रियायत दी है, और 13,000 लोग ये रियायत के आधार पर, ये दो ही धर्म के, दिग्विजय सिंह सुन ले जरा, ये दो ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने। मगर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? मान्यवर, ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए, और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि यह बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को, और विशेषकर
मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता, किसी की नहीं छीनता। किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा, किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हम। हम जो वहां से बिचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं, इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है। बाद में मैं आता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया, मगर हमने सम्मान दिया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, इनके नागरिकता को कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए मेहरबानी करके पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है, इसलिए इस आग से किसी ने खेलना नहीं चाहिए। माननीय 25 नवंबर 1947 कांग्रेस पार्टी के एक संकल्प को मैं पढ़ना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी, अब शब्द प्रयोग सुनिएगा मेरा, गैर मुस्लिमों को, मैं तो गैर मुस्लिम भी नहीं कहा, ऐसा कहा कि हिंदू सिख। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा के उस पार से भारत में आए हैं या आने वाले हैं। अब साहब, आप कांग्रेस पार्टी के रेजुलेशन को भी नहीं आपने तो नहीं माना, हम मान रहे, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सोर्स कहता हूं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड सोर्सेज बाय जगदीश शरण शर्मा, वॉल्यूम 3, पृष्ठ नंबर 835, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, निकाल कर जरा कर लेना। दूसरा, बैठे जरा, दूसरा, महात्मा गांधी जी जिसको इस देश का हर नागरिक मानता है, हर नागरिक मानना भी चाहिए, हम भी मानते हैं, उन्होंने कहा था 26 सितंबर 1947 में एक प्रार्थना सभा में माइक में खुलेआम यह घोषणा की, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख दिग्विजय सिंह जी, यदि वे वहां नहीं रहना चाहते, वो निसंदेह भारत आए, भारत सरकार का दायित्व है उनको स्वीकार करना, इस मामले में न सिर्फ स्वीकार करना, उनको रोजगार देना, मताधिकार देना, उनके जीवन को सुखकर बनाना, ये भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी ने कहा और इन्होंने सिर्फ हिंदू और सिख कहा, सिर्फ आपको जो वो मुस्लिम चिपक गया इसलिए कह रहा हूं, ये बाद में चिपका है जरा, पहले नहीं था ऐसा। पहले समस्याओं को धर्म के आधार पर नहीं, मुसलमान की भी समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे भाई, मगर आज समस्या हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई के लिए है तो उसका समाधान निकाल रहे, इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है? माननीय, मैं फिर से, कई सदस्यों ने कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य, देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहां बैठे, उन्होंने भी इसी सदन में कहा था, विपक्ष के नेता और असम के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, महोदया जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो मैं हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के प्रति बर्ताव के बारे में बताना चाहूंगा। अल्पसंख्यक मतलब वहां के जिसमें मुसलमान नहीं आता है, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है, जो डॉक्टर साहब ने कहा हम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस विरोध कर रही है। माननीय, ये जो बेंचेस चेंज होती है और अप्रोच बदलता है, मैं नहीं मानता। अभी बड़े बड़े आवाज से हमारे सम्माननीय सदस्य डेरेक ओब्रायन जी कहते थे, ममता बनर्जी ने लोकसभा में 4/8/2005 को कहा, बंगाल में घुसपैठ अब आपदा बन गई है, आप मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के साथ साथ
भारतीय नाम देख सकते हैं। मेरे पास Please sit down. This will not go on record. You will have enough. If it is wrong, you can move a motion. If it is wrong, you can move a motion. Don't go and encourage other members. You are violating. You are asking members to violate the rules. Please don't do it. I am not hearing you. I have not permitted you. Please sit down. Let the this will not go on record. Please bite jaye. Aap bite jaye. You can give a notice if something is wrong has been quoted. No. You please carry on. Home Minister, carry on. Is the minister yielding? If he is yielding, you will tell me. Please carry on. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेहरू लियाकत अली का जो एग्रीमेंट था माननीय सभापति महोदय नेहरू लियाकत जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट जिसकी स्पिरिट को पड़ोसी देशों ने लागू नहीं माननीय सभापति महोदय नेहरू लियाकत जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट जिसकी स्पिरिट को पड़ोसी देशों ने लागू नहीं किया इसको ऑनर करना ये हर सरकार का धर्म है और नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि जिसकी प्रताड़ना हुई है वो सबको सरकार ने मदद करनी चाहिए और जो लघुमति ये तीन देशों से आए हैं वो तीनों देशों के माइनॉरिटी को अंदर उनको नागरिकता देनी चाहिए मान्यवर members to follow the order. You are not allowing your own leader. Aap bait jaiye. Let him quote the rule. No. You can't do it like this. I will not allow. Let everybody sit down. Sir. Member quote the rule and then raise the order. If there is a disorder, you can't raise a point of order. So it is known to you. Let everybody sit down and let the member quote the rule. Please, that's what I'm saying. That should have been done in the beginning itself without all this. Which says, and I quote, any member at any time submit a point of order for the decision of the chair. So it is my right. It cannot be caught. Yes. Number one. You are not submit any point of order to me. How can I have it? एक सेकंड मुझे कोई जल्दी नहीं है मैं सब चीजों का जवाब सुकेन शेखर राय जी नो यू हियर मी एनी मेंबर डिजायर्स टू रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर आई एम रेजिंग रूल 238 विल यू अलाउ द चेयर रूल 238 विल यू अलाउ द चेयर आई एम रेजिंग विल यू अलाउ द चेयर आई एम रेजिंग द रूल ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हाई आई एम रेजिंग द पॉइंट ऑफ ऑर्डर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई आई एम रेजिंग द पॉइंट ऑफ ऑर्डर आई एम नॉट परमिटिंग एनीबॉडी टू डू एनीथिंग रूल 238 सर यू मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट द चेयर यू मस्ट quote the rule and then you must make your submission. Hangama karke, dabao dalke, aisa hoga nahi. I am the last man. You have got every right to raise point of order, but you must quote the rules. Now you are quoting. That's what I am saying. Just have the patience. Nothing is going to happen within 1 minute or 2 minutes. The point is, if any member, any given time, at an appropriate distinct, want to raise a point of order. If he thinks that things are going out of order, he can give a notice to me. I am ready to hear. First, things went out of order. Disorder has been created. Then you started raising a point of order. So please, is it not correct? Can we have a replay? It is not possible, I think, in the house. We can see what happened in the house. We can see what has happened in the house. We have the verbatim. Sir, and I would like the people of India to see this, particularly because it's already out. And now raise the point of order.
raise the point. Yes, raise the point. We have the verbatim record. Don't shout at the chair. I am the last man to oppose you on that. Please understand. That's my point. Yes, you have to quote the rule and then seek the permission of the house. I am ready to give you. I tried long to invite your kind attention to the rule. But you are not looking at me, you are not allowing me. That is why. No, that's not fair. That's not fair. No. By making allegations, I will not allow. I have been looking at you and along with 15 of your colleagues. 15 of your colleagues were standing. Sir, am I wrong or right? 15 of our colleagues were standing. Sukhenji, you are a very well educated person, you are well versed in the rules, and you also. If you also speak in such language, I can't help it. And then saying to the chair. I'm referring to rule 238. I'm the last person to violate any rule. Rule 238, please consult. Rule 38.5. 238. Rule 238.5. Rules to be observed while speaking, whoever may be. All members, its rule is applicable to all members. A member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion. Some remarks have been made on the conduct of the Honourable Chief Minister of West Bengal, and that cannot be allowed. Yes! 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 You are referring to the speech. Contrary. And we have the report. We have the report. What has been said? What has been said? That is misleading. Because we have the record. We have the record with us. Oh, we shall table it. Please. We shall table please, it. Please, will you? You completed, na? So, shall I tell? No. Aap jao, jao, pehla, first of all. No, kar dijiye. Main mauka dunga aapko. Aapko mauka dunga. It is my duty to see that the rules are observed. You have raised 238.5 class. And it says, you are saying something derogatory has been mentioned about a person in high office. If at all any such thing is there, no charge has been made. No charge has been made, a reference has been made to statement made in the Lok Sabha. If you think that is misleading, you can give a notice. Mantriji, please. Sabhapati Mohoday, inke gusse ko to main samajh sakta hun ki kyun aata hai. Parantu maine na house ko mislead kiya hai, na Sushri Mamata Banerjee ke liye koi apshabd ya koi galat baat kaha hai. 4/8/2005 ko Sushri Mamata Banerjee Lok Sabha mein jo boli, इसका कोट अनकोट मैं बोला हूं. मैंने कभी नहीं कहा है किस रेफरेंस में था. क्यों इतने गुस्सा हो जाते हैं? No. कैसे मगर मिसलीड किया? दिस इज नॉट गोइंग ऑन द रिकॉर्ड. जो लिखा है मैं पढ़ा हूं. मिसलीड क्या किया? मिसलीडिंग क्या है? व्हाट इज दिस चैलेंजिंग एंड देन गोइंग द गेस्ट क्रिएशन डन. Ask your members to first sit down. Then I can allow you. No problem. Nothing wrong in asking for authentication. The Honorable, the Minister, then I can't engage like this. I can't engage like that. I will ask the Minister to conclude his speech and then go for voting. What can I do? If you violate and insistently, anything, Minister, please. Anything, please, other members, anything, no, I am not allowing anybody. Anything said by a minister, you want it to be authenticated. Minister is saying, he is quoting from authenticated source. End of the matter. What is the problem? What is the problem? No. It is a minister. Minister, please. Authenticated. Manavar, yeah. Right. I have accepted already. What else you want? I am saying that he is quoting it and he has to authenticate it. He will do it. Manavar, Sri, ab main sabhi sabdasyon ne jo ek ke baad ek
बात सदन के सामने रखी है उसको मैं बताऊंगा। मानवर आनंद शर्मा जी ने कहा कि भाई विभाजन हुआ इसका हमें भी दुख है, मगर विभाजन वीर सावरकर के एक स्टेटमेंट के कारण मुझे मालूम नहीं है स्टेटमेंट सावरकर जी ने दिया है नहीं दिया, मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता। सुनिए ना इसको चैलेंज भी नहीं करता, मगर पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और इनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे और आपकी बैठ जाइए जी। मान्यवर इनको मालूम नहीं है मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं, मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं, पार्लियामेंट में बोलने का मेरा एक तरीका है मान्यवर, मगर मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी ने विभाजन की मांग की कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार क्यों किया और धर्म के आधार पर विभाजन को क्यों स्वीकार किया? ये धर्म के आधार पर विभाजन मैं स्पष्टता से मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ही देन इस देश को है जिसके कारण ये सारे सवाल खड़े हुए। माननीय रिकॉर्ड उन्होंने अनपार्लियामेंट्री, प्लीज बैठ जाइए। मान्यवर उन्होंने कहा मन बना कि विवेकानंद जी ने पारसी और यहूदियों के उल्लेख कर कहा इसको हम मानते हैं, तो विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा था, हम भी मानते थे पारसी और यहूदी वहां से धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहां आए, उनको हमने नागरिक बनाया ये भी धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहां आए, आज हम उनको नागरिक बना रहे भला। तो अगर आप विवेकानंद को मानते हो तो ये लोगों को क्यों नहीं स्वीकार करते हो, क्योंकि इसमें मुस्लिम नहीं है। मान्यवर इन्होंने जो कहा है कि 11 साल की जगह 11 प्लस 1 की जगह आपने 5 प्लस 1 क्यों किया, इसका एक तर्क मांगा था आनंद शर्मा जी ने, मैं देता हूं तर्क। मान्यवर 11 और 1 का जो प्रावधान था उससे इस बिल के अंदर कट ऑफ डेट रखा है 31 दिसंबर 2014। अगर 11 प्लस 1 का हम प्रावधान रखते तो उनके 11 साल 31 दिसंबर 2014 के दिन जो आए उनके 11 साल होते 2025, तो उन लोगों को इतने समय राह न देखनी पड़े, इसलिए ये प्रोविजन को कम करते हुए हमने 11 प्लस 1 की जगह इस स्पेशल क्लास के लिए 5 प्लस 1 का प्रोविजन किया है, जिससे 2020 से ही वो लोग अपनी नागरिक बनने की प्रक्रिया को शुरू करें। मान्यवर डायरेक्ट ओबेरॉन जी चले गए, उन्होंने आएंगे उन्होंने कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन और सरस्वती पूजा के लिए प्रतिबंध है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा बंगाल के अंदर प्रतिबंध है, हमने ऐसा कहा था, मैं कल ही कहा था कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन के लिए हाईकोर्ट से जाकर परमिशन लानी पड़ती है, ऐसा कहा। अरे ढेर सारे केस हैं, हिंदू को प्रशासन परमिशन नहीं देता, वहां पर हाईकोर्ट में जाकर परमिशन मांगनी पड़ती है, हाईकोर्ट ऑर्डर करती है बंगाल प्रशासन को, तब मिलता। मान्यवर नाजी जर्मनी का ये सब उल्लेख कर रहे थे अवरेंद्र जी, अखबारों में आने के लिए हम कुछ भी कहे मगर पूरी दुनिया वास्तविकता जानती है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, हमारे यहां दोनों सदन आज भी ठीक चलते हैं, एक इमरजेंसी का काल छोड़ दे तो कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहां पर रोका नहीं गया था, सिर्फ इमरजेंसी के काल में थोड़े समय के लिए, बाद में जनता ने उसको भी सुधार दिया, परंतु हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया। मान्यवर इसके बाद में इन्होंने चिदंबरम साहब ने कहा कि तीन देश क्यों लिए,
मैंने जवाब दिया है, तीन देश क्यों दिए इसने, हिंदू सिख पारसी इनको किस तरह से सिलेक्ट किया, माइनॉरिटी है इसलिए सिलेक्ट किया, लंका भूटान को कैंप क्यों छोड़ा, तो इसका भी मैंने कहा कि आज तक कांग्रेस के शासन में भी जब तक सिटीजनशिप में जब बदलाव हुए एक समस्या के लिए हुए हैं, इस बार भी एक निश्चित समस्या जो भौगोलिक रूप से तीन देश भारत से सटे हुए हैं, इनकी माइनॉरिटी को धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो यहां है इसके लिए किया था। माननीय उन्होंने कहा कि कैसे साबित करोगे कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, एक पहले मैं बाद में बताता हूं क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने भी पूछा था ऐसा, मैं जवाब देता हूं, और आर्टिकल 14 का भी उन्होंने जिक्र किया जिसका मैंने जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। श्री शिवा ने कहा बाकी राज्यों को क्यों नहीं लिया है, मैंने शिवाजी कहा कि आपको भी मैं अध्यक्ष जी के सभापति जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर बार एक समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने हर बार करा है, जब तमिल शरणार्थियों को नागरिकता दी लगभग 8-9 लाख लोगों को दी है, मैं आंकड़ा आगे बताऊंगा आपको, तब भी बांग्लादेशियों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी, इसलिए तमिलनाडु के साथ ये भेदभाव नहीं है, जब तमिलनाडु के लिए दी तब अकेले तमिलनाडु लंका प्रॉब्लम के लिए ही दी थी, इसलिए मेहरबानी कर आपके मन में इस प्रकार का भाव नहीं रहना चाहिए। रोहिंग्या को क्यों नहीं लिया, रोहिंग्या सीधे हमारे देश में नहीं आते हैं, बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ कर यहां आते हैं, ये आपके मन में पहले स्पष्ट और साफ होना चाहिए। श्री रंगराजन जी ने भी तमिल का सवाल उठाया था, मैंने जवाब दिया ही दिया। श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये देशद्रोही है, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे वो देशद्रोही, कभी नहीं कहा सब, मैं इस बात को डिनाई करता हूं, मगर आज मुझे आश्चर्य होता है माननीय सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं, कैसे कैसे रंग बदलते हैं। माननीय मिस्टर वाई को nothing is going on record. We have to sit. You have to sit, and once the minister concludes his meeting, then Mr. Waipa, I have to name you. Manivar, don't provoke me further. This is the sixth time today. You are defying the chair and then speaking at you as you like. You can't do it. You can't do it. Please sit up. Please sit down. Don't create a situation. लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, मुझे न बताए, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आज रात को क्या हुआ कि आज शिवसेना ने अपना स्टैंड बदल दिया। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, संजय जी बाद में, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा 2014 की, मैंने 2014 की डेट इस बिल में क्यों रखी है, मैं माननीय सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय ये बिल हम 2015 में लेकर आए थे, तब भी इसका प्रोविजन यही था, ये बिल को थोड़े बदल जो सबसे चर्चा करके सुझाव आए थोड़ा बदला, तब उसको वो डेट को वो की वो रखा गया है 2014 की, इसमें और कोई हमारा आशय नहीं है। और जहां तक उन्होंने पूछा कि मुस्लिमों को क्यों छोड़ा, मुस्लिमों को कोई नहीं छोड़ा है, मुस्लिम वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ना इन पर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इसलिए यहां से लिया है। मनोज जाट जी ने कहा कि इतिहास तय करेगा, मनोज जाट जी निश्चित रूप से इतिहास तय करेगा कि 70 साल तक के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, इसको न्याय नरेंद्र मोदी जी ने देकर इतिहास इसको सुवर्ण अक्षर से अंकित, लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं। माननीय
सिक्किम के माननीय सदस्य ने 371 को डाइल्यूट न करे ऐसा मुझे कहा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं ये बिल किसी भी तरह से 371 ऐप को डाइल्यूट नहीं करता है। सिक्किम को 371 ऐप में मिले हुए सारे अधिकार आबादी थे। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आर्टिकल 14 की तो मैंने बात करी है। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि धार्मिक प्रताड़ना हुई है, कितना बड़ा सवाल पूछा। कपिल सिब्बल जी बोले आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं तो उसी वक्त लिखता हूं। प्लीज प्लीज कपिल जी, नहीं नहीं जी, इसका तो मैंने जवाब दिया। गेट एन अपॉर्चुनिटी प्लीज। नो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। मान्यवर, नो मेंबर गॉट ए स्पेशल राइट। अगर एट ऑल हिज नेम इज टेकन सब्सिक्वेंटली यू कैन वेट फॉर हिज टर्न एंड देन आस्क द चेयरमैन। चेयरमैन डेफिनेटली इफ नेम इज टेकन इट बी अलाउड। मान्यवर, अगर कपिल सिब्बल जी ने ऐसा नहीं कहा है तो मेरा जवाब भी रिकॉर्ड पर न रहे, मगर कहा है तो मेरा जवाब जरूर रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब, पूरी दुनिया ढेर सारे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट्स, दुनिया भर के अखबार, भारत के कई अखबार, और आप भी चले जाइए बंगाल में और आसाम के अंदर तो आपको भी मिलेंगी ढेर सारी कहानियां। कई सारे सिख दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में 21,000 से ज्यादा सिख रहते हैं जो अफगानिस्तान से आए। कैसे मालूम पड़ा, हमारे आंख और कान खुले हैं। वोट बैंक की लालच ने हमारे आंख कान बंद नहीं करे, इसलिए हमें मालूम पड़ता है। माननीय, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमसे नहीं डरते, नहीं ही डरने चाहिए, नहीं डरने चाहिए, और आप डराइए भी मत। आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुझे बताइए सिब्बल साहब, इसमें मुसलमानों का, जो भारत का मुसलमान है, इसका अधिकार कैसे जाता है? इसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा है साहब। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है, उसके अधिकार के साथ कोई छेड़खानी मान्यवर ये बिल को नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी को कि अपप्रचार में मत आइए, ये भ्रामक प्रचार के अंदर मत आइए। ये जो आपको डराने का कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। वास्तविकता यह है कि इस बिल से भारत के मुसलमानों की सिटीजनशिप से स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि यूपी बिहार और राजस्थान के लोग विस्थापित, पूर्वांचल राजस्थान सबके, कोई नहीं होगा, इसकी चिंता आप मत करिए। हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो भारत के नागरिक है इनको इस बिल से कोई किसी भी प्रकार से हर्क नहीं होगा। मान्यवर, मान्यवर ये रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चल रहा है। This will not go on record. मान्यवर, मिनिस्टर नीड नॉट रिप्लाई टू हिम। अभी मिनिस्टर नीड नॉट रिप्लाई टू हिम। मैं उनको जवाब नहीं देता मान्यवर, मैं इतना ही कहता हूं कि अभी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंदर किसी भी की नागरिकता लेने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। जो प्रताड़ित लोग हैं, जो माइनॉरिटी है वहां पर, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उनको नागरिकता देने का प्रस्ताव है, लेने का प्रस्ताव नहीं है। और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे, भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना हो समझा दो, मेरी तो 7 पुस्तें यहां जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यही मरेंगे। मंत्री जी, मान्यवर, प्लीज। मान्यवर, जावेद अली खान एसपी के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम मुक्त बन जाएंगे। जावेद अली खान, आप भी चाहोगे तो ये देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा, चिंता मत करो। इस देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिले, ये नरेंद्र मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है और कमिटमेंट है।
मैं ध्रुव पर कहना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी सरकार का एक ही धर्म है इस देश का संविधान जो इस देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने का परमिशन नहीं देता। इसलिए ना आप भी चिंता करिए ना दूसरों को भी चिंता कराइए। माननीय श्रीलंकन तमिल शरणार्थियों का ढेर सारे सदस्यों ने उठाया, मैं सबका नाम नहीं दूंगा, शिवाजी ने उठाया, अपने सीपीआईएम के सदस्य जी ने उठाया, वाइको साहब ने उठाया, बहुत सारे। माननीय 1947 से अलग अलग समय पर श्रीलंकन नागरिकों को नागरिकता भारत की सरकार ने अलग अलग समय पर सभी दलों की सरकारों ने दी है। सबसे पहले 4,61,000 लोगों को दी गई, बाद में 94,000 परिवारों को दी गई, बाद में 1,32,32 में से 75,000 वहां वापस गए, 75,000 यहां दी गई और उसमें से 2,16,000 शरणार्थी वापिस लंका भी जा चुके हैं, अभी भी कुछ रहते हैं। मगर मैं पहले ही कहा कि इससे ऐसा अन्याय की बात सोचने का सवाल ही नहीं है, किसी को अन्याय करने का इस सरकार का वाइको साहब आशा ही भी नहीं है। जब श्रीलंकन नागरिकों को दिया तब भी ये लोगों को नहीं दिया था। जब एक समस्या को हम लेंगे तब उसको पूर्ण रूप से इसका निवारण करने का हम प्रयास करते हैं। माननीय कपिल सिब्बल जी ने कहा कि ये दो रूल कोट किए हैं उन्होंने, एंट्री टू पासपोर्ट एक्ट और दो रूल कोट किए 2015 और 16 में ही, ये दोनों पासपोर्ट एक्ट और इनको बदल दिया गया। आपका प्रिंसिपल साहब इसके नोटिफिकेशन भी निकल चुके हैं, अब एक साथ कई कानूनों का जिक्र कर दिया आपने, 370 करा, ट्रिपल तलाक करा, आप अब सीए भी लेकर आए हो, ये सब एंटी मुस्लिम है। माननीय मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, न सीए भी एंटी मुस्लिम है, न 370 एंटी मुस्लिम है, न ट्रिपल तलाक एंटी मुस्लिम है। ट्रिपल तलाक इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को अधिकार देने का बिल है जो आप करनी चाहिए। क्या बहनें, माताएं बहनें नागरिक नहीं है? माननीय माताएं बहनों का कोई अधिकार नहीं है? आज तक नहीं था, नरेंद्र मोदी सरकार वोट बैंक को सिरे कर रखते हुए ये माताओं बहनों को अधिकार दी। आर्टिकल 370 क्यों, कश्मीर में हिंदू नहीं रहते, बौद्ध नहीं रहते हैं, सिर्फ मुसलमान रहते हैं, इस तरह से क्यों सोचना? आर्टिकल 370 सबके लिए उठाया है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं उठाया है। और आर्टिकल 370 उठने के बाद भी आज भी कश्मीर में शांति है और सारे मुसलमान शांति के साथ हैं। मान्यवर सीएबी कैसे एंटी मुस्लिम बनेगा? मान्यवर सीएबी के अंदर कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव नहीं है, बाकी जो वहां की माइनॉरिटी है उसको देने का मान्यवर सवाल है। तो मैं नहीं मानता कि सीएबी किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम हो सकता है। मान्यवर आसाम के दोनों सदस्यों ने कई सारी चिंताएं व्यक्त करी, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1985 में जो आसाम समझौता हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और वहां के आंदोलनकारियों के बीच में, इसमें जो क्लॉज 6 है वो क्लॉज 6 आसाम के मूल लोगों की भाषा, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, उनका साहित्य और चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली और स्थानीय इकाइयों की जगहों पर उनके मिनिमम रिजर्वेशन के, उनके लिए जो रिजर्वेशन था इसकी चिंता करने का एक क्लॉज 6 था। मगर अब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, क्लॉज 6 पर कोई कमिटी नहीं बनी, वादा कर दिया गया, एग्रीमेंट हो गया, मगर उसका अमल नहीं किया। जो जोर जोर से बोलते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ही सरकार थी आसाम में 15 साल, आसाम के ही राज्यसभा के सदस्य देश के प्रधानमंत्री थे और आसाम में ही सरकार थी, यहां पर भी 10 साल रही, मगर क्लॉज 6 को कभी भी जमीन पर उतारा नहीं गया। आसाम के लोगों को सिर्फ क्लॉज 6 कागज पर दिया गया, नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लॉज 6 के लिए आसाम के लोगों की कमेटी बनाई है और इनका रिपोर्ट आते ही आसाम समझौता का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। माननीय मैं आसाम के सभी भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि आपके भाषा की भी चिंता हम करेंगे, आपके साहित्य की भी चिंता हम करेंगे, आपकी बोलियों की चिंता जो ट्राइबल की है उसकी भी चिंता हम करेंगे, और आपको उचित स्थान पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले उसकी भी चिंता हम करेंगे। किसी को इस पर शंका रखने की जरूरत नहीं है। माननीय, मैं अब कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये बताने के पीछे मेरा मकसद यह है कि सदन से माध्यम से देश भर की जनता को और इस सदन के माध्यम आपके माध्यम से सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को कुछ वास्तविकता मालूम पड़े। हर लोग और हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, मैं उनको कुछ चीजें एक दो दिन की जो प्रक्रिया हुई उसमें समझाना चाहता हूं। गुलाम नबी साहब ने अलग प्रकार के समझाने का प्रयास करा, मगर एक अलग दृष्टिकोण भी है जो मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक ट्रांजिट कैंप है, भट्टी माइंस संजय कॉलोनी बस्ती। वहां माननीय साहिबा और रबे जी नाम की दो बहनें बहुत कठिनाई से भागकर यहां आई है और अपने पतियों के साथ बच्चों के साथ 2013 में वो कराची से भारत आई। उनका कहना है युवा लड़कियों जवान महिलाओं को उठा लिया जाता था, सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाता था या इस्लाम कबूल करने के लिए पाकिस्तान में हम पर दबाव बनाया जाता था। आज ये बिल आने के बाद अब तक हमको नागरिकता नहीं मिली थी, आज हम सम्मान के साथ जीने की आशा कर रहे हैं क्योंकि ये बिल लोग माननीय रेफ्यूजी कैंप शरणार्थियों को अपनी पहचान देने की सबसे बड़ी समस्या है। भट्टी माइंस में ही गारमेंट का काम करने वाली एक लड़की किरण रोते रोते टीवी के सामने बोली, हम नहीं बता सकते कि हम रेफ्यूजी हैं, हम नहीं बता सकते कि हम वहां से आए हैं। जो कुत्ते थे कितने हैं, क्यों आंकड़ा नहीं आता, इनको मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां हमें पाकिस्तानी मानते हैं, इसलिए हम हमारी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वहां पर तो हमारे साथ अत्याचार होता ही था, यहां पर भी हमें हमारी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। अब ये बिल आया है तो हम सम्मान के साथ कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक। माननीय शौकत राम अपने परिवार के साथ 13 वर्ष के थे तब आ गए, अब 32 वर्ष के हो गए, वो अपने 3 बच्चियों के पिता भी बन चुके हैं और वो कह रहे हैं हमारा बहुत लंबे समय से एक सपना था कि हम सम्मान के साथ अपने देश के अंदर नागरिक बनकर जी पाएंगे, अब ये हमारा सपना पूरा होगा। बलराम ने अपने मित्रों को पाकिस्तान में सिंध में फोन कर कहा, जय श्री राम, आज हमारे सभी स्वप्न पूरे होने जा रहे हैं। माननीय चौवालीस वर्षीय एक और हिंदू महिला जमुना, उसने कहा बच्चों को वहां इस्लामी शिक्षा दी जाती है, हमने पाकिस्तान में कुत्ते से भी बदतर जीवन जिया है, हम ये नया आरंभ करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मान्यवर उसमें से ही एक महिला ने बताया, दलितों का कैंप है, विभाजन के दौरान पाकिस्तान के दलितों को भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रियाकत तिल्ली ने भारतीय उच्चायुक्त से कहा अगर उन्होंने जाने की अनुमति दी तो कराची की सड़कों को कौन साफ करेगा। मान्यवर ये सबको सम्मान देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल श्री नरेंद्र मोदी, और आप इसका विरोध कर रहे हो तब समझना पड़ेगा कि जिन दलित भाइयों को वहां पर एक इस प्रकार के घिनौने मकसद से यहां नहीं आने दिया गया वो आज आते हैं तो उनको नागरिक बनाने का बिल हम लेकर आए। माननीय हरीशी सोडा जो राजस्थान की बॉर्डर पर आए हैं उन्होंने भी इसी प्रकार से आनंद व्यक्त किया। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के साथ काम करने वाली एक संस्था निखिल बंग नागरिक संघ ने भी वहां कहा कि हम पर वहां जो प्रताड़ना हुई है मुझे मालूम नहीं पड़ता, यहां आने के बाद भी अब तक भारत सरकार सिंधियों या तिब्बतियों की तरह हमें क्यों नहीं स्वीकारा, अब तक आज हम मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें स्वीकारा। मान्यवर ये जो पीड़ा है ये पीड़ा उन लाखों करोड़ों लोगों की, यहां टेक्निकली आंकड़ा पूछना ये बहुत सरल है,
मगर आंकड़ा जो छोटा रहा है ना, मैं अभी भी कहता हूं इसलिए छोटा रहा है कि कांग्रेस सरकारों ने अब तक उनको नागरिकता देने की व्यवस्था नहीं की थी। आज ये बिल पारित होने के बाद ये सदन मेरा समर्थन कर दे, ये बिल पारित होने के बाद जब नागरिकता शुरू होगी आंकड़ा मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे और अगले साल इस पर चर्चा भी करेंगे। माननीय, कई सारे बातों पर सवाल उठाए गए। एक तो मेरी कई बार समझ में नहीं आता, मैं कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनता हूं, शायद कोई इंसिडेंट ही होगा, कोई इरादे में कमी नहीं होगी, परंतु कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार भूल मिल जाते हैं। मान्यवर, कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है। एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए, एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान दिए गए कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम के एक समान है। 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए और उसको यूएन में कांग्रेस के नेताओं के बयान को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोट किया, वो भी एक समान है। माननीय, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए और आज के कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, दोनों एक। माननीय, मेरी समझ में नहीं आता। माननीय, इतना बौखलाते हो, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध क्यों किया था, क्या जस्टिफिकेशन था? एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर क्यों किया, इसका जवाब दे। ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, हम सही काम नहीं करेंगे। मान्यवर, जो सही होता है वो सही होता है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर और लोकसभा के अंदर, मान्यवर, मान्यवर अब बैठ जाइए। आफ्टर द मिनिस्टर कंप्लीट हिज reply, you can ask clarification if any, but not, you can't make commentary in between. Please. मान्यवर, मैं अब आपको ये तीनों देशों के अंदर धार्मिक लघुमतियों पर, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए, नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड अदर देन व्हाट द चेयरमैन, बताना चाहता हूं मैं। मान्यवर, अब मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ये जो माइनॉरिटी है वहां की, उस पर जो अत्याचार हुए उसको मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज। मान्यवर, पाकिस्तान के अंदर सिख और हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, 2014 की एक रिपोर्ट बताती हूं। जब मैं पाकिस्तान बोलूं उसमें उनको गुस्सा क्यों आता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, आप क्यों गुस्से हो रहे हो? प्लीज, प्लीज, प्लीज,
एक गलत मैसेज आएगा, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बोल रहे हैं, आप आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा मत। आपके बारे में जो रेफरेंस है वो समय पे आप पूछ सकते हैं। की रिपोर्ट ने 428 हिंदू पूजा स्थलों में से केवल 20 बच गए, 20 बच गए। मान्यवर, ईसाई धर्म की बेटी आसिया बीबी का मामला जग विख्यात है। मान्यवर, 47 में जो 23% वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी थी, अब 3.7% है। मान्यवर, बांग्लादेश के अंदर भी जब तक शेख मुजीबुर रहमान थे सब ठीक चला, जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की सरकार गई, एक अंधे कानून की तरह वहां की धार्मिक लघुमतियों पर अत्याचार हुए। मान्यवर, मैं आपको बताता हूं कि ढेर सारे बांग्लादेशी हिंदुओं को यहां शरण में आना पड़ा। छोटे ग्राम का केवेले धाम में अक्टूबर 1990 में हमला किया, जिसमें 300 घरों को आग लगा दी। एक बार 200 हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक जघन्य अपराध किया, और उस दिन 2 अक्टूबर के दिन का। मान्यवर, अभी की सरकार वहां के धार्मिक लघुमतियों की चिंता कर रही है, इसके लिए प्रबंध भी कर रही है, मगर एक लंबा कालखंड गया जिसके तहत धार्मिक प्रताड़ना के मारे ये लोग अपने देश में आए हैं। इनको शरणार्थी को नागरिकता देने के लिए ये बिल है। मान्यवर, 1992 में के पूर्व अफगानिस्तान में 2 लाख सिख और हिंदू थे, अब 2018 में यूएन के एक रिपोर्ट के अनुमान से केवल 500 सिख और हिंदू परिवार बचे। दो लाख में से सिर्फ 500। मान्यवर, हमें मालूम है कि बमियान के अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी, तोपे चलाई गई, उसको उड़ाया गया, सारे बुद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया, वहां से सारे भगवंत भाग कर भारत आए, इनकी रक्षा के लिए पूजा स्थल पर जाने की वहां मान्यवर मनाही है, मुस्लिमों की आलोचना करने की मनाही है। अल्पसंख्यकों ने अपने घर पर निशानी के तौर पर अपमानित तरीके से एक पीला कपड़ा टांगना पड़ता है। हिंदू और सिख महिलाओं ने अपना कपड़े का कलर कोई भी हो, उस पर पीला टीका लगाकर एक कपड़ा टांगना पड़ता है जिससे वो चिन्हित हो, और बुरखा पहनना भी कई प्रांतों में अफगानिस्तान के कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, क्रिश्चियनों के लिए भी ढेर सारे अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। मैं आज तो गरिमामयी सदन को बताना चाहता हूं, मान्यवर, पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उन्हें अछूत समुदाय माना जाता है, उनकी जीवन की दशा दयनीय है, बेहद गरीबी की स्थिति में मलिन बस्ती में रहने के लिए उनको मजबूर किया गया है। एक केरल के पादरी को वहां उठाकर ले गए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरवीन करके उनको छुड़ाने का काम किया। जुलाई 2010 में कराची के बगल में मुराद मेमन गोट में 150 क्रिश्चियन लोगों की बस्ती पर हमला किया और 34 से ज्यादा मौत के घाट उतार दिए गए, चर्च को तोड़ दिया गया। मान्यवर, 2002 में कुछ बंदूकधारियों ने तक्षशिला के क्रिश्चियन अस्पताल में बम फेंके जिसमें 2 नर्स और 2 नन सहित 4 लोगों की मौत हुई, 25 घायल हुए। 2009 में कुछ अज्ञात बंदूकधारी ने कराची शहर के बीचों बीच क्रिश्चियन चैरिटी संस्था पर हमला कर 6 लोगों को मार दिया, 24 घायल हुए। 2009 में एक मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा ईसाइयों को मारने का आह्वान करने पर 2 मुस्लिम बंदूकधारी बुरखे में आकर एक चर्च पर बम फेंका जिसमें 3 क्रिश्चियन बच्चियों की मौत हो गई। 2005 में संगला हिल 3,000 मुस्लिम उग्रवादियों ने हमला कर रोमन कैथोलिक आर्मी और चर्च पर हमला किया और पूरे चर्च को ध्वस्त कर दिया। मान्यवर, 2009 में गोजारा के दंगों में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले हुए। 2011 में
गुजरावाला शहर में 500 प्रदर्शनकारियों ने ईसाई समुदाय पर हमला कर कम से कम 20 लोगों को मार दिया और ढेरों घायल हुए। 2013 में लाहौर की ईसाई बस्तियों को मुसलमानों ने हमला कर 100 से ज्यादा घर जला दिए जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए। मेरे पास ये पूरा, मैं तो इसको रिकॉर्ड पर भी रखना चाहता हूं क्योंकि ये प्रेस का पार्ट बने। माननीय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जो बिल लेकर आया हूं वो किसी की भावना हर्ट करने के लिए नहीं, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को दुखी करने के लिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो अभी मेरा भाषण चल रहा है भैया, नहीं सुन रहा हूं, आप चिंता मत करिए। माननीय, ये जो लोग चिंता कर रहे हैं कि माइनॉरिटी का बाद में इस देश के माइनॉरिटी की और मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, ये नहीं अन्याय होगा। मैं एक आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं, 2013-14 में जो कांग्रेस का अंतिम बजट था इसमें माइनॉरिटी कल्याण के लिए 3500 करोड़ थे, 19-20 के बजट में 4700 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, कई सारे उस्ताद से लेकर उनके रोजगारी के ढेर सारे कार्यक्रम यहां चालू हुए। इस देश का वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और सीईओ भी बन सकता है। हमारे देश में कभी पर भी किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ हमने अन्याय नहीं किया है और यह हमारे देश का गौरवप्रद इतिहास है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी भी इस विश्वास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये सीएबी का जो बिल है इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा, ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। दूसरी बात, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इसी दृष्टि से सोचे तो फिर तो दुनिया में जितने लोग हैं सबको हमने नागरिकता दे देनी चाहिए। कौन से देश में ऐसा प्रावधान है? ह्यूमन राइट के चैंपियन देश सारे हैं, वहां जरा कोई एक भारत का नागरिक को नागरिकता दिलाकर देख ले, दे सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या? हर देश ने अपने कानून बनाए, हम भी अपना कानून बना रहे, हर एक को यहां नागरिकता नहीं मिल सकती। एक स्पेशल क्लास के लिए एक एक्ट लेकर आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को एक नया सवेरा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं इसको आप लोग स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता से प्रार्थना कर मैं मेरी बात को समझ रहा हूं। प्लीज whoever is shouting, I have noted, I will not give them an opportunity, whatever you may want to do. I am going to give opportunity to other members who are hearing. Nahi, bajaye na, please, bajaye. You will not get an opportunity as long as I am alive in this position. If you threaten the chair and you challenge the chair and you want opportunity, I am going to call the members who have raised.